हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है जीएसटी रिकंसिलेशन, और ये हमारे फाइनेंशियल क्लोजर गाइड का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे जीएसटी रिकंसिलेशन के बारे में। और इसमें हम लगभग सभी तरीके के जीएसटी रिकंसाइल करेंगे, जैसे कि GSTR 3B को जीएसटी बुक से मिलाना, GSTR 3B को GSTR 1 से मिलाना, GSTR 3B को GSTR 2A 2B से मिलाना, GSTR 1 को बुक्स से मिलाना, GSTR 2A 2B को बुक्स से मिलाना। तो लगभग सभी तरीके के रिकंसिलेशन आ जाएंगे, पर वीडियो को प्रॉपर समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अमूमन मैं कहता नहीं हूँ कि आप वीडियो पूरा देखो, पर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है और जो आपको मार्च की रिटर्न जो फाइल करनी है उसमें आप अप्रोप्रिएट जो है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एडजस्टमेंट कर पाएंगे। सो 100% प्रैक्टिकल वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले ये हमारा वीडियो नंबर 3 है फाइनेंशियल क्लोजर गाइड का। वीडियो नंबर 1 में हमने बताया था कि आपको डाटा स्प्लिट करके या ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कैसे बनाना है, या फिर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में कैसे एंट्री करनी है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ और टेली ERPN के साथ। तो वो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने बताया था कैश ट्रांजेक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल जानकारी, जिसमें कैश सेल लिमिट, कैश एक्सपेंस लिमिट, कैश लोन लिमिट और नेगेटिव और एक्सेस कैश के बारे में हमने आपको बताया था। सो आज के जो वीडियो में हम सीखने वाले वो है GST रिकंसिलेशन। सो इसके लिए हम चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर के ऊपर और साथ में हम चलेंगे GST पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे GST पोर्टल पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मैं आऊँगा सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में आने के बाद हम आएंगे रिटर्न के अंदर। रिटर्न में आने के बाद हम आएंगे टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन के अंदर। इसमें जो है हम सेल एंड अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 2021 के हम पूरे अप्रैल से लेकर मार्च तक की सेल और परचेज को मिलाएंगे, क्या वेरिएंस है और कैसे हमने इसको एडजस्ट करना है, इस पर सारे तरीकों पर हम आज नज़र डालेंगे। सो टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन के अंदर आपने आना है सर्विसेज में, रिटर्न एंड टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन में आपने आना है। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी चार्ट बना हुआ मिलता है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे फाइनेंशियल 21-22 चालू हो गया है, हमें 20-21 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल हम 2021 ले लेंगे एंड देन हम इसको कर देंगे सर्च। सर्च करने के बाद हमारे पास कंपेरिजन टूल ऑलरेडी बना हुआ आ जाता है और उसकी हमने कैसे मदद लेनी है अपने बुक्स के साथ, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो टेबल हैं, एक है एज पर GSTR 1 और GSTR 3। हम दो तरीके के रिटर्न फाइल करते हैं अगर हम रेगुलर टैक्स पेयर की बात करें तो। एक GSTR 1 हम फाइल करते हैं जो कि क्वार्टरली बेस पे करते थे, अब वो QRMP हो गया है। पहले वो क्वार्टरली बेस पे होता था 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए, अब तो QRMP हो गया, 5 करोड़ से कम वाले भी GSTR 3B भी क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं और IFF रिटर्न ऑलरेडी, इन सब के बारे में जानकारी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में लगभग हमारा जनवरी तक आई थिंक जो है वो क्वार्टरली बेस पे फाइल होता था, जनवरी से जो है हमने QRMP लागू हो गया था तो वो हम मंथली बेस पे फाइल कर रहे हैं। तो GSTR 1 और GSTR 3B हम दो रिटर्न फाइल करते हैं, इसके डाटा में वैसे मिसमैचेस नहीं होने चाहिए। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे GSTR 1 और GSTR 3B के डाटा में कोई मिसमैच नहीं है। यहाँ पे जो हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले हैं GSTR 3B एंड GSTR 1 वर्सेस बुक्स के बारे में। GSTR 3B, GSTR 1 जो हमने फाइल की पोर्टल के ऊपर और हमारी बुक्स की क्या पोजीशन है, और ये हमेशा सेम ही होनी चाहिए, ये बहुत ही कम एरर होगा। सबसे पहले तो ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग बेस्ट होनी चाहिए, अगर आपकी रिकॉर्डिंग सही है तो आपकी रिपोर्टिंग जो है ऑलरेडी अपने आप ही ठीक बनेगी। इसलिए रिकॉर्डिंग पे हमने पहले बहुत जोर दिया था कि कैसे आपको 3 लेजर को मेंटेन करना है, CGST, SGST और IGST को। रिकॉर्डिंग सही है तो आपकी रिपोर्ट सही बनेगी, और रिपोर्ट सही बनेगी तो GSTR 3B, GSTR 1 वर्सेज बुक के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पर अगर फिर भी होता है तो उसका क्या सोल्यूशन है उसमें बात करेंगे। GSTR 1 एंड GSTR 3B के अंदर कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए अगर आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग है। मतलब आपने अगर रिकॉर्ड सही किया तो आपकी बुक्स सही होंगी और उस बुक्स के हिसाब से आपने अपनी 3B और GSTR 1 को फाइल किया होगा। देखिए GSTR 1, GSTR 3B और बुक्स ये तीनों आपके हाथ में हैं। GSTR 2 और 2B जो है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो जो है आपका सप्लायर जो है जिससे कि आपने गुड्स को परचेज किया वो रिटर्न फाइल करेगा, तब आपके GSTR 2A और 2B में डाटा रिफ्लेक्ट होगा। 2A और 2B क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या, ऑलरेडी वीडियो उसके ऊपर डली हुई है। अब यहाँ पे आता है तीसरा रिकंसिलेशन, GSTR 3B वर्सेज GSTR 2A एंड 2B। ये आपके हाथ में नहीं है, इसमें वेरिएंस हो सकता है, तो उस वेरिएंस का क्या इलाज है। इसके अलावा GSTR 2A 2B वर्सेज बुक्स, इसमें वेरिएंस हो सकता है, इसका क्या इलाज है, इसके बारे में बात करेंगे। पर जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि GSTR 3B, GSTR 1 और बुक्स, इन तीनों में आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए जहाँ तक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने की है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग भी हमारी प्रॉपर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो GSTR 1 और GSTR 3B में हमारे कोई वेरियंस नहीं है। GSTR 1 का डाटा ये रहा एंड GSTR 3B का डाटा ये है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का वेरियंस नहीं है। अब बात हम करते हैं, हमारा जो दूसरा चार्ट है वो है GSTR 3B वर्सेज GSTR 2A एंड 2B। अब GSTR 3B वर्सेज GSTR 2A और 2B के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 3B में जो ITC क्लेम किया वो 119,990 की है। यहाँ पे हम फरवरी तक का डाटा देख रहे हैं क्योंकि मार्च में अभी हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्च की रिटर्न गई नहीं है। उसकी जो डेट है वो 11 तारीख और 20 तारीख है। 11 GSTR 1 की, 11 और 13 दो तारीख होती है IFF और GSTR 1 की, और 20 तारीख जो है GSTR 3B की है। और यहाँ पर जो है 2A और 2B के हिसाब से 120,000 रुपये आ रहा है। इन सब के वेरियंस के बारे में बात करेंगे और हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद मैंने करना है डिस्प्ले। डिस्प्ले में मैंने आना है स्टैच्यू GST रिपोर्ट के अंदर। GST रिपोर्ट में आने के बाद हम 3B को ओपन कर लेंगे। किसको ओपन कर लेंगे भैया? 3B को। 3B को क्या करा हमने, ओपन कर लिया। और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे। अभी जो हमारा पीरियड है ओपन है वो है 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का। पर मैं इसको क्या करूँगा, डेट को चेंज कर दूंगा 1/4/2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक। मेन जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि हमें अपनी सेल और परचेज को मिलाना है। पूरे साल की हमारी सेल परचेज में जो बुक्स में और जो हमने पोर्टल में फाइल की है वहाँ पर तो कोई अंतर नहीं है। GSTR 2A और 2B को अभी 2 मिनट के लिए आप साइड पर रख दो। GSTR 3B, GSTR 1 और बुक्स आपकी मैच होनी चाहिए, ज़रूर मैच होनी चाहिए, तो आपकी प्रॉपर सेल और परचेज मैच होगी। 1 अप्रैल 2020 से लेकर हमने 28 फरवरी 2021 तक का डाटा यहाँ पर ओपन कर लिया। 3.1 के अंदर हमारी जो होती है वो क्या आती है, हमारी सेल आती है। एंड 4 के अंदर हमारा क्या होता है, वो एलिजिबल ITC होती है। अगर मैं अपनी सेल की बात करूँ और सेल के ऊपर जो मेरा टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 2,28,669 कहते हैं, 69 को आई थिंक 669 पर टैक्स बन रहा है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मेरा बिल्कुल टैक्स जो है वो मैच कर रहा है, चाहे वो मेरी GSTR 1 हो और चाहे वो मेरा GSTR 3B हो। चाहे मेरा GSTR 1 हो वो और चाहे GSTR 3B हो, दोनों के अंदर जो मैंने सेल रिपोर्ट की है वो मैंने रिपोर्ट की है 2,28,000 टैक्स। ये टैक्स है, ये सेल की अमाउंट नहीं है, टैक्स की अमाउंट है। यहाँ पर जो अमाउंट आपका आ रहा है वो है टैक्स, CGST, SGST और IGST। और इसका बाइफरकेशन भी अगर आप चाहते हो कि किस किस तरीके से, तो आप वो नीचे देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर आपको हेडवाइज मिल जाएगा IGST में कितना टैक्स था, CGST में और SGST में कितना टैक्स था। तो अगर मैं बात करूं बुक्स के हिसाब से, तो बुक्स के हिसाब से मेरा GSTR 3B और GSTR 1 और बुक्स मेरी तीनों आपस में मैच हो रही है। देखिए GSTR 1 में डाटा कितना है, 2,28,669 एंड यहाँ पे भी 2,28,669। हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि 69 ही बोलते हैं इसको, तो 2,28,669.32 पैसे है। और अगर मैं अपनी टैली सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे भी मेरा जो टैक्स का अमाउंट बन रहा है वो एग्जैक्ट बन रहा है। अभी एग्जैक्ट कैसे बन रहा है, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग जो थी वो प्रॉपर थी। और यहाँ पे गड़बड़ कब आ सकती है, जब आप एक आध वाउचर डिलीट कर दो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बाद में डाल दो, तो आपकी गड़बड़ आ सकती है। इसी तरीके से मैं एलिजिबल ITC की बात करूँ तो मैंने जो ITC क्लेम जो मेरी बुक्स के अंदर आ रही है वो आ रही है 1,14,722 रुपये, कितनी 1,14,722.15 पैसे। और अगर मैं पोर्टल के ऊपर चलता हूँ तो पोर्टल के ऊपर भैया अगर मैं 3B के हिसाब से देखूँ तो मेरी 1,19,990 रुपये आ रही है, ठीक है। और अगर मैं 2A और 2B के हिसाब से देखूँ तो 1,20,615 आ रही है। तो अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि गड़बड़ ये है यहाँ पे कि मेरी तो 3B और बुक्स भी मैच नहीं कर रही। और अभी तो सर आप कह रहे थे कि आपकी 3B बुक्स और GSTR 1 मैच करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पोर्टल की गड़बड़ है। किसकी गड़बड़ है, पोर्टल की। क्या कह रहे हो सर, ये अभी मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। पहले आप ये समझो, दोबारा मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक चीज़ समझ नहीं है कि GSTR 1, GSTR 3B और बुक्स आपकी मैच करनी चाहिए। और GSTR 2A और 2B जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपका सप्लायर जब आपकी रिटर्न फाइल अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो आपके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि सितंबर तक आई थिंक, अगर मैं भूल रहा हूँ तो सितंबर तक तो क्या था, हम अपनी बुक्स के हिसाब से क्लेम कर सकते थे क्योंकि COVID-19 की सिचुएशन चल रही थी। तो वहाँ पे 10% और 5% वाला क्लोज नहीं था, 36/4 वाला। बाद में क्या हुआ कि दिसंबर तक हमने 2A के हिसाब से क्लेम करी या बुक्स के हिसाब से क्लेम करी, और फिर जनवरी से क्या हो गया, हमारा 2B आ गया। और अब तो भैया GSTR 3B और फाइल करो तो लाल निशान और आ जाता है कि 2B से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। 10% वाला 36/4 वाला जो रूल है वो एकदम तरीके से लागू हो गया। इसके ऊपर सबके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। तो अब यहाँ पर क्यों गड़बड़ा रहा है कि GSTR 3B और मेरी बुक्स की ITC में क्यों गड़बड़ा रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, अभी मैंने जो ओपन करा था वो करा था मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक का। तो यहाँ पे मेरी 1,14,000 है, पर यहाँ पर जो आ रही है वो आ रही है 1,19,990 रुपये।
मेरे को चेक करनी है कि मेरी गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि आपको अपनी सेल परचेज मिलानी है। तो आप अपनी इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, अब इसको मंथ वाइज ओपन करोगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अब 1 अप्रैल का, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि पोर्टल की क्या गड़बड़ है। मैंने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का यहाँ पे डाटा ओपन कर लिया, और यहाँ पे डाटा ओपन करने पे देखो मेरी जो सेल है वो 533 रुपये, और यहाँ पे GSTR 3B में मैंने जो सेल दिखाई वो 533, और GSTR 3B में ITC कितनी आ रही है 3811 रुपये। ध्यान से समझना चीज़ों को, बहुत आसानी से आप अपनी बुक्स को मिला लोगे फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते समय, 3811 रुपये। और यहाँ पर जो मेरी ITC है वो कितनी है 370 रुपये। 3811 मेरी IGST के हेड में थी, और 1720 मैंने रिवर्स की थी CGST और HGST के हेड में, तो मुझे क्लेम कितनी करनी थी 370, और मैंने क्लेम कितनी की 370, पर पोर्टल पर कितनी आ रही है 3811 रुपये। यहाँ पर हम 2A की बात नहीं कर रहे अभी, यहाँ पर हम 2A की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्यों है, तो मैं इसके लिए एक टैब और खोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं GST की वेबसाइट भी साथ में खोल देता हूँ। GST की मैंने वेबसाइट खोली, और यहाँ पे मैं आऊँगा अप्रैल की रिटर्न के अंदर, मैं देखता हूँ कि मैंने वहाँ पे गलत डाटा तो फीड नहीं किया था, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको मंथ वाइज ओपन करते हो, बड़े आसानी से मिला लोगे। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे जो डाटा आता है 3B का और 2A और 2B का जो डाटा आता है वो कहाँ से उठा रहा है, इसके ऊपर बात करनी है। इससे पहले मैं आपको कुछ एक बातें और बताना चाहूँगा जो मैंने बताई थी, कि बीच में वीडियो को आप स्किप मत करना। देखिए यहाँ तक तो हमने बता दिया, वीडियो नंबर 1 हमने बताया था कि स्प्लिट कैसे करेंगे डाटा, वीडियो नंबर 2 में कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बताया था। अब क्योंकि हम GSTR 2A और बुक्स की सबकी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ वीडियो के रेफरेंसेस देना चाहूँगा। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये वीडियो एज एन अकाउंटेंट आपको देखना जरूरी है, जिससे कि आप अपनी बुक्स को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें पहला वीडियो मैं आपको जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो है GSTR 2A को रिकनसाइल करने का बिल्कुल सरल सा तरीका। टैली ERP 9 में GSTR 2A को आप कैसे रिकनसाइल करेंगे, इसका तरीका पूरा बड़ी आसानी से सिंपल से वे में बताया गया। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है GSTR 2A को अगर आपको पूरा साल का अगर रिकनसाइल करना है तो आप वो कैसे रिकनसाइल करोगे। थर्ड वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है कि GSTR 2A 2B और 3B में मिसमैच होने का बहुत बड़ा कारण, GST पोर्टल में ऐसी क्या गड़बड़ है जिससे कि आपका 2A 2B और 3B का डाटा मिसमैच होता है, जो कि हमारा यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनाई, इसको वीडियो लिंक जरूर देखिए आप। इसके अलावा GSTR पोर्टल की बहुत बड़ी मिस्टेक, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, सबके लिंक आपको सीरीज से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। और आप GST के टैक्स को कैसे बचा सकते हो, ये कुछ वीडियो है जिसका मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी GST को समझने में। अब हमने क्या करा भैया कि हमने यहाँ पे पोर्टल को ओपन कर लिया, और यहाँ मैं 2021 के अप्रैल की रिटर्न को फाइल करूँगा, देख लूँगा, सॉरी फाइल नहीं देखूँगा, अप्रैल की रिटर्न को मैंने सर्च करा, और मैंने यहाँ पे 3B किसको ओपन करूँगा, 3B को, 3B को मैंने ओपन करा, एंड 3B को ओपन करने पे हम करेंगे एलिजिबल ITC वाले कॉलम को ओपन, जो कि देखिए मेरा यहाँ पे आ रहा है 3811 1720 CGST और HGST में माइनस, जो कि मैंने यहाँ पे मेरी बुक्स के अंदर भी आ रहा है, पर पोर्टल में अगर हम कंपैरिजन टूल में जा रहे हैं तो यहाँ पे सीधी सीधी ITC 3811 आ रही है। तो इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, और मैंने एक बताई थी जो वीडियो का भी रेफरेंस दिया, GST पोर्टल की बहुत बड़ी मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए मैंने ITC क्लेम की थी 3811, और यही डाटा उसने वहाँ पे उठा लिया, और जो हमने यहाँ पे डाटा जो रिवर्स किया था बी के अंदर ITC रिवर्स में 1720 रुपये जो मैंने रिवर्स किया था वो डाटा जो है पोर्टल नहीं उठाता। तो पोर्टल कहाँ तक का डाटा उठाता है, पोर्टल केवल यहाँ तक का डाटा को उठाता है 3811 रुपये, उसने यहाँ तक के डाटा को उठाया, जबकि पोर्टल को कहाँ का डाटा लेना चाहिए था, नेट ITC अवेलेबल, यहाँ का अगर वो डाटा लेता तो वो भी क्या ITC बताता, जो मेरी बुक्स में बता रही है, बुक्स में मेरी ITC बता रही है कुल 370 रुपये। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस कंपैरिजन टूल में जब कंपैरिजन करोगे तो आप इसको देख के शौक ना हो जाओ, और ये मत सोचो कि आपकी गलती है, यहाँ पे कुछ गलती जो है, गलती का हो या टेक्निकल एरर का हो या जो वो डाटा जहाँ से उठा रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है, वो यहाँ पे 3811 उठा रहा है एज़ पर 3B, जबकि एज़ पर 3B जो मैंने ITC क्लेम की है वो मैंने कुल जो क्लेम की है वो क्लेम की है 370 रुपये, 370 रुपये मैंने ITC क्लेम किया, क्योंकि 1720 मैंने रिवर्स कर दी थी। तो यहाँ पर जो मिसमैच का कारण है 3B और 2A और 2B के अंदर और बुक्स के अंदर जो मिसमैच का कारण जो बन रहा है वो ये कारण बन रहा है कि यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो गलत आ रहा है। तो अब इसके लिए आपको क्या स्टेप लेना है, इसके लिए आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना, आपने जो रिटर्न फाइल की है वो आपको 3B को अपनी बुक्स से मिला लेना है, बस इतना ही आपको काम करना है। अब अगर मैं जैसे मई का डाटा देखूँ, तो मई का जो मेरा डाटा है
मई के डाटा में देखो 9,303 रुपये मेरी ITC और 16,076 रुपये मेरी टैक्स की लाइबिलिटी है। तो पोर्टल पे अगर मैं आके देखूँ तो पोर्टल पे आके मेरी 16,076 रुपये लाइबिलिटी है और 9,303 रुपये क्योंकि मैंने अब यहाँ पे क्यों ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी अपनी ITC का रिवर्सल नहीं किया है जैसा कि मैंने अप्रैल वाली रिटर्न के अंदर किया था। तो गाइस यहाँ पे मेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि GSTR 1 और GSTR 3B सेल के डाटा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। GSTR 1, GSTR 3B और GSTR बुक्स के डाटा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और GSTR 3B में अगर आप यहाँ कंपैरिजन टूल में ITC को अगर चेक कर रहे हो बुक्स में अगर कहीं पर गड़बड़ है तो एक बार आप मंथ वाइज इसको सबको ओपन करके देख लो और नहीं तो आपकी ये जो है फिगर ये जो है आपकी प्रॉपर तरीके से मैच होनी चाहिए। अब कुछ एक बातें आती हैं कि अगर मान लो आपका GSTR 1 और 3B में डाटा गड़बड़ आ रहा है कि मान लो आपने GSTR 1 में ज़्यादा सेल दिखा दी और 3B में आपने कम सेल दिखाई थी। GSTR 1 में आपने क्या करा भाई, आपने 3B पहले फाइल कर दी, 3B फाइल कर दी तो क्या हुआ कि आपने कम सेल दिखा दी, बाद में पता लगा कि कोई बिल आपको और ऐड करना था, आपने वो ऐड कर दिया तो GSTR 1 सेल की आपकी सेल जो है वो अप हो गई। तो आप उसको GSTR 1 को प्रॉपर फाइल करो और GSTR 3B में जो आपका जो टैक्स का वेरियंस और जो सेल का वेरियंस है वो आप नेक्स्ट 3B में ऐड करके भेज दो। नेक्स्ट 3B में ऐड करके भेज दोगे तो क्या होगा कि आपका जो फाइनल टोटल है वो मैच होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको रहता है, कुछ लोगों को, कुछ तो बुद्धिजीवी हैं, कुछ जिनको नहीं पता उन लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम GSTR 9 में सही कर लेंगे गलतियों को, GSTR 9 में गलतियों को सही कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको जो अपनी गलतियां सही करनी है, जो टैक्स लायबिलिटी और ITC को जो रिवर्स करना है या ITC को क्लेम करना है वो आप 3B में ही कर सकते हो। एनुअल रिटर्न में आप ITC को क्लेम नहीं कर सकते हो, ITC और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दोबारा बता दूं कि अगर मान लो आपने पिछले साल की किसी भी ITC को आपने क्लेम करना है, पिछले महीने की ITC को आपने क्लेम करना है तो आप 3B के अंदर ही क्लेम करोगे, या आपकी कोई सेल छूट गई है तो आप वो 3B में डालोगे एक्सेस तो आपकी वो सेल एक्सेस जाएगी। क्योंकि एनुअल रिटर्न के अंदर केवल और केवल आप जो है उसको आप बायफरकेट करके बता देते हो कि भैया ये मेरे पिछले साल की ITC थी जो मैंने इस साल में क्लेम कर दी, ये मेरी इस साल की ITC है जो मैंने अगले साल में क्लेम की है। उसमें आप टैक्स के कैलकुलेशन को नहीं हेरफेर कर सकते, टैक्स की जो लायबिलिटी जो है वो आपको जो है वो यहीं पे 3B के अंदर पे करनी होती है। तो 3B में पहले आपको 3B, GSTR 1 और बुक्स को आपने प्रॉपर तरीके से मिलाना है। तो यहाँ पर जो मेन जो समझने वाली बातें थी वो ये थी कि हमारे GSTR 1, 3B और बुक्स इन तीनों में अंतर नहीं आना चाहिए। और अगर GSTR 1 और 3B में अंतर है तो आप GSTR 1 में अगर कम सेल गई है तो GSTR 3B में आप उसको जो है नेक्स्ट रिटर्न के अंदर आप उसको अपनी सेल को कम करके दिखा दो। और अगर आपकी GSTR 1 में ज़्यादा सेल गई है और 3B में कम गई है तो आप 3B के अंदर उसको ज़्यादा करके दिखा दो, जिससे क्या होगा कि आपका फाइनल टोटल जो है वो सेल का वो मैच होगा। तो अगर अब आपकी अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 के बीच में कोई ऐसी सेल है जो रह गई है उसको GSTR 3B में आप दिखा दो मार्च वाली रिटर्न में। और अगर कोई ऐसी सेल है जो आपने ज़्यादा दिखा दी है जबकि आपकी एक्चुअली नहीं थी पर गलती से आपके बटन दब गया या गलती से कोई टाइपिंग एरर हो गया या गलती से आपकी GSTR 3B में ज़्यादा चली गई तो उस सेल को आप इस मंथ के अंदर जो है वो कम करके दिखा दीजिए। ठीक इसी तरीके से आप अपनी ITC को भी एडजस्ट कर सकते हो। मान लो अगर आपकी कोई ITC रह रही है पिछले महीने के अंदर, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप ITC को ज़्यादा क्लेम करते हो तो आपका लाल निशान हो जाता है 3B के अंदर, तो अभी आपको इस महीने इस साल के अंदर वो चिंता करने की मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये, आप ज़रूरी नहीं है कि इसको मानो या मत मानो, क्योंकि पिछले महीने की ITC या पिछले पीरियड की ITC हम नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक हम क्लेम कर सकते हैं, आप सभी को पता है। तो अगर मेरी कोई अप्रैल की, मई की, जून की ITC रह गई है तो वो भैया मैं करंट मंथ में क्लेम करूंगा, चाहे लाल निशान हो जाए पोर्टल पे, चाहे 36,4 को मैं क्रॉस कर रहा हूं तो भी मुझे अपनी ITC तो क्लेम करनी करनी है। आप ITC जो क्लेम कर रहे हो अगर आपका लाल निशान हो रहा है 3B के अंदर तो आपके पास एक प्रॉपर वैलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं ITC को क्यों क्लेम कर रहा हूँ और उसकी आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से अपने GSTR 1 को GSTR 3B से मिला सकते हो, GSTR 1 को बुक्स से मिला सकते हो, GSTR 3B को बुक्स से मिला सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप GSTR 3B की ITC को अपनी बुक्स से मिला सकते हो। पहले पूरे साल की यहाँ पे टैली में आप ओपन कर लो, पूरे साल की अगर नहीं मैच हो रही है तो आप इसको मंथ वाइज एक एक करके ओपन करके देख लो। 2A और 2B की ITC के रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियोस बता दी हैं कि आपको 2A और 2B में मिसमैच होने का मेन कारण क्या है और आपको उसने कैसे सही करना है। तो इन सारी वीडियोस के लिंक आपको हमारी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आप उस पर जुड़िए, उस पर बहुत काम के हम लिंक आपको भेजते रहते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड और जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी 12,800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके। सो गाइस आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो या कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।